आई फील सो नॉट आई थिंक सो, कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अमंग्स दी जो लेटेस्ट वनप्लस की डिवाइस लॉन्च हुई हैं 9 Pro, 9 and 9R, उसमें से जो 9R है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वेल गाइज, आज हमें इस फ़ोन की टियर डाउन करनी है, देखते हैं ये फ़ोन कैसा बना है। फाइनली बैक पैनल ओपन, और इसका ग्लू काफ़ी टाइट है एक्चुअली, इवन दो फ़ोन में ऑफिशियल कोई आईपी रेटिंग नहीं है, लेकिन दैट्स व्हाई आई थिंक यहाँ पे स्प्लैश टेस्ट में कोई भी पानी अंदर जाता हुआ नहीं नज़र आया। ऑन द फर्स्ट लुक ड्यूअल बैटरी है, वो तो आगे निकाल के देखते हैं। लोअर पीसीबी, यहाँ पे आपका वारंटी स्टिकर है, एंड कोई भी यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग नहीं है अनलाइक हम अदर फोन्स में देखते हैं। ऑन द टॉप यहाँ पे कैमरे का सेटअप है। चलिए इन दोनों पैनल्स को भी ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं सभी इंडिविजुअल पार्ट्स कैसे हैं। बैक पैनल तो आपने ऑलरेडी देख लिया है, ये ग्लास का बना हुआ है, कुछ यहाँ पे ग्रेफाइट की शीट्स एक्स्ट्रा लगाई गई हैं, एंड कैमरे का जो फ्रेम है वो इटसेल्फ यहाँ पे, इन केस ये डैमेज होता है देन प्रॉब्ली आपका ये पूरा बैक पैनल रिप्लेस होगा, आई थिंक सो। लोअर पीसीबी का जो कवर है, दैट इज़ जहाँ पे स्पीकर दिया गया है, एंड क्वाइट सरप्राइजिंग यहाँ पे कोई भी फोम बॉल कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, दिस इज़ एग्जैक्टली द लोअर पीसीबी। यहाँ पे भी अगेन कुछ थोड़ा सा रबराइज गैस्केट लगा हुआ है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो डिस्प्ले है यहाँ पे पानी अंदर ना जाए, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि लिक्विड डैमेज से डिस्प्ले के अंदर पानी चला जाता है, क्वाइट रिसेंटली हमने पोको X3 प्रो में ऐसा देखा था। एंड यहाँ पे जस्ट एक ड्यूअल सिम कार्ड की फंक्शनैलिटी है, दैट्स इट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाता है टुक। अगर आप सिम ट्रे निकालने के लिए जैसे यहाँ पे ऐसे पुल करते हैं तो ये जो पार्ट है ये जैसे हटता है, देन आई थिंक आपको सिम ट्रे से बाहर आ जाता है। ये गैल्वनाइज एल्युमिनियम है, कॉपर से थोड़ा चीप पड़ता है। ऑन द मेन पीसीबी यहाँ पे दोनों तरफ से तो ग्रेफाइट की शीट लगी हुई है, गैसकेट प्रोटेक्शन लगी हुई है, जस्ट टू मेक श्योर कि पानी यहाँ पे ना जा पाए। फ्रंट कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे अटैच है मेन पीसीबी से, और इन सभी कूलिंग पैड्स को हटाने के बाद कुछ ऐसा आपका मेन पीसीबी दिखता है। सभी कंपोनेंट्स को रिकवर करना रियली इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पे जो लेटेस्ट वाईफाई 6 जो सपोर्ट दिया गया वो इस क्वालकॉम के चिप के थ्रू दिया गया है, और ये आपका क्वालकॉम 870 CPU यहाँ पे, जो आपका 5G इंटीग्रेटेड मॉडल है, एंड ये मोस्ट लाइकली सैमसंग के EMMC होगा, जहाँ पे रैम रोम की फंक्शनलिटी कंबाइंड में दी जाती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि थर्मल पेस्ट का यूज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किया गया है, वैसे तो मैंने काफ़ी यहाँ से अलग कर ली, लेकिन ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स में देखेंगे थर्मल पेस्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। थर्मल पेस्ट इसलिए यूज़ किया जाता है फ़ोन में ताकि जैसे यहाँ पे ये जो मेटल लगाया गया है उसके बीच में और ये जो CPU के बीच में जो गैप होता है वो थर्मल पेस्ट एस ब्रिज एक्ट करता है, कोई भी एयर वहाँ पे नहीं रह जाती है, सीधे जो भी हीट इस CPU से निकलेगी वो उस थर्मल पेस्ट के थ्रू कंडक्ट होके आपके इस पे आ जाएगी, एंड आफ्टर डेट यहाँ से ये आपके अदर ग्रेफाइट शीट से आती है, देन ये रिफ्लेक्ट होके आपके इस फ़ोन के बैक पैनल के थ्रू एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हीट मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। अभी तक जितने हमने टेड ऑन किए यहाँ पे, मैंने सबसे ज़्यादा थर्मल पेस्ट यहाँ पे देखा हुआ है। थर्मल पेस्ट चीपेस्ट होता है, रीयूजेबल होता है कंपेयर टू जो भी यहाँ पे आप ट्रेडिशनल कॉपर या एल्युमिनियम की शीट यूज़ करते हैं, इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी के टर्म्स में ये उतना बेस्ट नहीं होगा कंपेयर टू जो कि आप अदर फैक्टर्स देखते हैं फ़ोन में। अदर दैट यहाँ पे रबराइज गैसकेट्स लगे हैं, कुछ डिफरेंट कनेक्शन केबल्स हैं। ये इस फ़ोन का कैमरा का सेटअप है, ये 48 MP का मेन कैमरा है, यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट दिया गया, यानी कि आप थोड़े से स्मूथ वीडियोस बना सकते हैं 4K 30 FPS, 4K 60 FPS रियली डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। नेक्स्ट ये आपका 16 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और ये भी वाइड एंगल कैमरा है। आफ्टर दैट यहाँ पे 5 MP का एक मैक्रो है, एंड 2 MP का एक डिफरेंट डेड कैमरा दिया गया है। ऑन दी बॉटम यहाँ पे गैल्वनाइज एल्युमिनियम दिया गया है, ये भी अगेन एक चीपर तरीका है, इंस्टेड ऑफ कॉपर के यहाँ पे यूज़ किया गया है, आई थिंक इससे हीट मैनेजमेंट उतना बेटर नहीं होता है कंपेयर टू थिक कॉपर शीट के, जो कि बेस्ट होता है हीट कंडक्टिविटी के लिए। यहाँ पे कैपेसिटी लिखी हुई है, ड्यूअल बैटरी कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली ये हमने फर्स्ट टाइम Realme X50 Pro में देखा था, 65 W की चार्जिंग के लिए सिंगल बैटरी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि फ़ोन ज़्यादा हीट हो जाता है। अगर आप मैनुफैक्चर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली Sunwoda Electronic Corporation Limited, made in China, fabric in a Chinese
और ये इस फ़ोन का फ्रेम है, डिस्प्ले है, चेसिस है, जो भी आप कहें। ये लिक्विड पाइप जैसे फील तो हो रही है, बट एक्चुअली ये पाइप दिख नहीं रही है, पाइप थोड़ी सी थिन ज़्यादा होती है, बट जो भी है यहाँ पे हो सकता है लिक्विड कूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया होगा, क्योंकि ये यहाँ से सीपीयू यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आता है, अगेन यहाँ पे थर्मोप्लास्ट है जो इसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, देन वो इस एल्युमिनियम के चेसिस में आता है, देन डिस्प्ले होके ये आपके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इससे फ़ोन आपका थोड़ा सा कूल रहता है। यहाँ पे फ्रंट स्पीकर है, ऑन द बॉटम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है, ये उसकी रिबन केबल है, यूएसबी टाइप सी की फंक्शनलिटी यहाँ पे सेपरेट है, और एवरी प्लेस यहाँ पे आप देखेंगे कि मोस्टली गैल्वनाइज एल्युमिनियम ही यूज़ किया गया है, जो कि चीपेस्ट फॉर्म में होता है। ढेर सारे सिग्नल केबल्स हैं, 5G फोन्स में आपको बहुत सारे ऐसे सिग्नल वायर्स दिखाई पड़ेंगे। एंड एट द लास्ट ये मेन पीसीबी का कवर है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है, एंड ग्रेफाइट शीट बहुत टॉप ऑफ फ्रंट में है। यहाँ पे एलईडी लाइट भी यहाँ पे फिक्स की गई है, जो कि मेन पीसीबी में नहीं, बहुत से फ़ोन में मेन पीसीबी होती हैं। ऑलराइट गाइस, ये था वन प्लस 9R ईयर डाउन, सभी कंपोनेंट्स हमने देख लिए हैं, एंड ऑल द कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या क्या यूज़ किए गए हैं, थर्मल मैनेजमेंट कैसे यूज़ किया गया है, फ़ोन सॉर्ट ऑफ हीट क्यों करता है क्यों नहीं करता है वो भी आप शायद समझ गए होंगे। रिवर्स ऑर्डर में फ़ोन को दोबारा मैं रीअसेंबल करता हूँ, लेट्स सी। ऑल्सो ये जो क्रैक्ड बैक पैनल है इसको भी लगाना रियली टफ है। ऑलराइट, फ़ोन कम्प्लीटली तो मैंने सील कर दिया। सो या गाइस, दैट्स इट, ये था वन प्लस 9R का टियर डाउन। अगर आपको वन प्लस 9 एंड 9 प्रो का टियर डाउन देखना है तो डेफिनेटली कमेंट्स में थॉट्स जरूर शेयर करिएगा। एज ऑलवेज गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।